तीन रिपोर्ट्स आई और एक बुलिश है, एक थोड़ी कम बुलिश और तीसरा होल्ड की कॉल दे रहा है। जो सबसे ज्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर वो है CLSA, और इनका कहना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरीज में से है ये कंपनी सिटी गैस स्पेस में। तो खरीदारी करने की कॉल मेंटेन कर रहे हैं 390 के टारगेट्स, यानी कि जो वेनेसडे की क्लोज थी वहां से 24% का अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं। जहां तक रिजल्ट्स की बात है, ये कह रहे हैं वॉल्यूम्स और मार्जिन्स दोनों इन लाइन थे। इस कंपनी ने जो तमाम नए मार्केट्स में फोरे करा है उससे मीडियम टर्म वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट आपको नजर आएगी, और साथ साथ जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी वो आगे मार्जिन की ट्रेजेक्टरी इंप्रूव करेगी। जो हल्का बुलिश है वो है मॉर्गन स्टैनली, ओवरवेट का कॉल है लक्ष्य 351 का, यानी कि रीसेंट क्लोज से 11% का अपसाइड इनको नजर आता है। और इनका कहना है कि अक्रॉस व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है इनकी गैस की। रिजल्ट्स हाईलाइट करते हैं किस तरह का रेजिलियंट बिजनेस मॉडल है ये, और 12-13% की ग्रोथ आने वाले 3 सालों में एक्सपेक्ट करी जा रही है। हर साल इस तरह की ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक करेगी। पर जेफरीज का कहना है कि स्टॉक को होल्ड करें, 305 का टारगेट, 305 का टारगेट मतलब रीसेंट जो ट्रेडिंग प्राइस है उससे 2-3% नीचे की ये बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि नंबर्स तो डिसेंट थे, सॉलिड वॉल्यूम्स थे जो कि एक्सपेक्टेशंस थी इनलाइन थे, पर जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है अपने पीयर्स से कम हुआ है इस कंपनी का। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का मोमेंटम तो शायद कंटिन्यू रहे पर मार्जिन एक्सपेंशन यहां से बहुत अनलाइकली है, इसीलिए वो होल्ड की बात कर। आगे की रात थोड़ी मुश्किल।